ये हमारा भाई फैन कूलर, कूलर का फैन प्लस पंप प्लस इसमें हमने स्विंग कंट्रोल भी दिया, स्विंग कंट्रोल के लिए दिस वायर इज देयर और इसको मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है और रेड कलर फेज है, ब्लैक कलर न्यूट्रल है और ये ऑन ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया और जो स्विंग का बटन है वो ये है, जब आप इसे दबाएंगे तो यू कैन सी स्विंग बंद हो गया, ये ऑन या ऑफ और ये ऑल ऑफ हो गया, ये सिर्फ पंप हो गया, पांच पे पंप नहीं चलेगा और फैन चलेगा तो पंप चलेगा, फैन ऑन है, ये फैन स्पीड हाई, फैन स्पीड लो, ये ऑन ऑफ और ये पंप हो गया और ये स्विंग हो गया। इंस्टॉलेशन वीडियो है, आप हमारा जो कूलर का रिमोट है डिब्बी वाला या फ्लैट वाला उन दोनों के लिए हमारा कलर कोडिंग वायर का सेम है, ये लीड है हमारी हैविंग फेज एंड न्यूट्रल, ये जैसे कि लिखा हुआ है पर्पल कलर स्विंग है, ब्लू कलर फैन है, रेड कलर फेज है, येलो कलर पंप है और ब्लैक कलर न्यूट्रल है, ये सभी वायर्स हमारे मॉड्यूल से बाहर आ रही हैं। अब मैं इनके कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ और ये वायर हमारे फैन से आ रही है, वो फैन लगा हुआ है और ये दो व्हाइट वायर्स ये पंप से आ रही है, ये पंप पड़ा हुआ है, इसी तरह से स्विंग की भी दो वायर होंगी, स्विंग की एक वायर न्यूट्रल और दूसरी स्विंग आउटपुट पे लग जाएगी। मैंने मॉड्यूल को कनेक्शन कर दिए हैं, मेरे पास स्विंग की मोटर नहीं है इसलिए स्विंग वाली वायर मेरी डिस अटैच पड़ी है, उसकी एक स्विंग की मोटर की एक वायर यहाँ लग जाएगी पर्पल पे और दूसरी न्यूट्रल पे लग जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी लीड है इसका ये फेज रेड में लग गया और न्यूट्रल कॉमन में चला गया, इसी तरह ये जो हमारी फैन मोटर की वायर है जो एग्जॉस्ट से आ रही है उसकी ये दो मीडियम एंड लो स्पीड को हमने यूज नहीं किया और उसकी बाकी दो तारों में से जो हाई स्पीड है, हाई स्पीड इज ब्लैक, वो ब्लू पे लग गया और दूसरा ब्लू जो कॉमन है वो न्यूट्रल पे लग गया और ये हमारा पंप है, पंप की एक वायर पंप आउटपुट पे लगी येलो पे और दूसरी वायर कॉमन न्यूट्रल पे लगी। आप ध्यान देंगे कॉमन न्यूट्रल पे चारों वायर्स इकट्ठी होती हैं, एक हमारे मॉड्यूल से, एक पावर के लीड से, एक फैन से और एक पंप से।